नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भगेलू राम, लमुआ विधानसभा से संतोष पांडे, सदर विधानसभा से अनूप संडा के साथ जिले के वरिष्ठ सपा के नेताओं ने अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा 277 में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया, जिससे प्रत्याशी शोभावती वर्मा के विजयी होने की संभावना बढ़ गई है। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला ने बताया कि राघव राम सेवा संस्थान के द्वारा रामलीला मैदान में 8000 गरीबों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किया जाएगा और गरीब बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए 2 करोड़ रुपए दान किया जाएगा। इसके साथ ही अमेठी CSC को आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन भी समर्पित की जाएगी। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के पलिया पश्चिम गांव में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। रामलीला मंचन में लवकुश का मंचन हुआ। वहीं इसके साथ ही दंगल में पहलवानों ने कुश्ती के जरिए जोर आजमाइश की। अयोध्या रामनगरी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने स्नान दान कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं का आज अनुष्ठान पूरा हो गया। इसी के साथ ही कार्तिक माह का समापन भी हो गया। अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा 277 में होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद बीकापुर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर ने अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में तूफानी दौरा करते हुए पार्टी प्रत्याशी शोभावती वर्मा को जिताने की अपील की। अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा ने कटेरी विधानसभा 277 के उपचुनाव की कमान संभालते हुए ग्रामीण इलाकों में जन चौपाल का आयोजन करते हुए जनता को संबोधित किया और जनता से अपील की अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा को विजयी बनाएं। जालौन जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा पर्व के मौके पर थाना रामपुरा में मौजूद पंचनदा का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। जालौन जिला चिकित्सालय पुरुष में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट से RBC और WBC प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग अलग किए जाएंगे, जिससे एक इंसान के खून से 4 मरीजों को फायदा पहुँचाया जाएगा। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में CM डैशबोर्ड विकास कार्यों और 1 करोड़ से ऊपर लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया। शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में गंगा घाटी की OCP संस्कृति से संबंधित 4500 साल पुराने तांबे के हारपून मिले, जिन पर आदिशिव की तस्वीर बनी हुई है। गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के चोचक में लगने वाले मौनी बाबा धाम में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सभी ने स्नान के बाद मौनी बाबा का दर्शन किया। आपको बता दें कि मौनी बाबा ने जीते जी समाधि ली थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।